वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर है का। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र देखो जो भी छात्र जो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन बोला जाता है, और उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चन मतलब कि नहीं पूछे जाते। कुछ जो फिजिकल एजुकेशन का जो केवल एक सब्जेक्ट होता है उसमें रिटन एग्जाम होता है, लेकिन जो स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन होता है उसमें हमारे ऑप्शनल टाइप मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही मैं आपको सेक्शन ए में जो होते खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खेल कूद से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन वहां करा दिए हैं सेक्शन ए में, जिसका पार्ट वन है पहले से अपलोड कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहां मैं आपको देने वाला हूं पार्ट टू। पार्ट टू में हम देखेंगे, हम शरीर से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे, मतलब क्या क्या पूछे, मतलब शरीर से बॉडी से रिलेटेड होंगे, फिर और कुछ मतलब जो भी होगा खेल कूद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन में कोर्स पूर्व में पूछे जाते हैं, वही एमसी क्वेश्चन। आप हमारे इस नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो तो यहां देखो फर्स्ट यूनिट, कुछ यूनिट दे रखी है अलग अलग, मैं आपको यहां पार्ट टू करा रहा हूं, उसके बाद हो सकता है पार्ट थ्री भी कराऊं और पार्ट फोर भी कराऊं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वही कराऊंगा, फालतू कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आता है वही देखेंगे। तो देखो हमारा जाकर सेक्शन हमारा देखो क्या है, यहां आपसे पहला क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन बी में देखेंगे, सेक्शन ए हमने पूरा कंप्लीट करा दिया एक वीडियो में। यहां देखो क्वेश्चन बोला गया कि एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, अस्थियों का मतलब होता है हड्डियां, कितनी हड्डियां होती हैं। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया वह करेंगे, जो दो बार या एक बार क्वेश्चन पूछा गया उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां देखो कह रहा है एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती है, तो आप हो गए जो बच्चा होता है उसके शरीर में 213 अस्थियां होती हैं, 213 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से एक दूसरा देखो ऑप्शन नंबर दूसरा देखो क्वेश्चन की बात की जाए, तो देखो यहां कितनी बार क्वेश्चन पूछे, ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया वही हम क्वेश्चनों को याद करेंगे, ठीक है। यहां और क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर, बाकी कुछ भी फालतू नहीं देखेंगे, ठीक है। तो छोटे बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 213। हमारा देखो दूसरा शरीर बोला दूसरा क्वेश्चन बोला गया है डेल्टाइन पेशी कहां पाई जाती है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये है हमारा, तो डेल्टाइड पेशी कहां पाई जाती है, तो आप कहेंगे वो पाई जाती है कंधे पर, ठीक है, तो कंधे होता है वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए या सबसे लंबी अस्थि की बात की जाए, वो होता है फीमर, ठीक है। तो जो फीमर होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, वो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो पाया गया है पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, आप जानते हो तो पसलियां होती हैं, पसलियों के द्वारा हड्डी कितनी होती है वो आपसे पूछा गया, तो आप सुनिए 24 मतलब कि 12 जोड़ी भी लिख के आएगा, या फिर आप 24 कह सकती हैं, पसलियों की हड्डियां होती हैं वो लगी होती हैं कितनी, टोटल 12 जोड़ी मतलब कि 24 हड्डियां, ठीक है। अब यहां देखो यहां बोला है टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, टखना जानते हो, टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 4 अस्थियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां बोला गया स्टेपिस अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो वो आ जाती है कान में, स्टेपिस बेटा सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, और ये कहा स्टेपिस जो होती है वो कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां बोला गया है अंशफल अस्थि स्थित होती है, तो अंशफल स्थित कहां स्थित होती है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ, ठीक है, कह सकते हैं नितंब में होती है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है देखो अलना अस्थि भी बोलते हैं, अलना या रेडियस अस्थि जो होती है वो हमारी अग्रबाहु में पाई जाती है, इस तरीके से अक्ष बोला गया है, सॉरी बक्ष में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 26 हड्डियां होती हैं, बक्ष में हड्डियों की संख्या 26 होती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखिए अलना पाया जाता है तो हाथ में, मैंने आपसे बुलत देखा है, ये देखो अग्रबाहु में पाया जाता है, हाथ में पाया जाता है अलना। देखो हड्डियों में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है हड्डियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करता है, तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के देखो ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करता कौन है, तो वहां हड्डियों के बारे में पूरा डिस्कस किया जाता है, मतलब हड्डियों का अध्ययन कराता है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मेरुदंड में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 33 होती है, मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 33 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कहेंगे 206 हड्डियां होती हैं, कितनी होती है 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है मानव शरीर में पसलियों के जोड़े पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में पसलियों के जो जोड़े पाए जाते हैं वो 12 पाए जाते हैं, पसलियों के शरीर में 12 पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है देख लीजिए देखो 26वां क्वेश्चन को देखेंगे, यहां बोला है खोपड़ी की अस्थियों की संख्या होती है, तो खोपड़ी की जो अस्थियों की संख्या होती है वो 8 होती है, 8 खोपड़ी की अस्थियों की संख्या।
ये आप देख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पहुंच जाइए तो इंपोर्टेंट है वही करेंगे। जैसे कि यहां बोला गया इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम फास्फेट ही होता है, आपको बताया। यहां बोला गया है मानव, देखो कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो आप कहेंगे स्टेपीज, दुकान में पाई जाती है, मैं भी बताया था। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, सभी को मैं अभी बता चुका हूँ चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। शरीर में लंबी हड्डी कौन सी होती है, आप जानते हैं, ठीक है। में लंबी हड्डी का कार्य क्या होता है, तो आप जानते हैं लीवर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो आप जानते हैं सबसे मजबूत जो होती है वो होते हैं मैंडिबल, मैंडिबल जो दांत जैसे बने होते हैं वही सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ लॉक करेंगे बेटा सभी लोग। यहाँ देखिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, फालतू कुछ नहीं कराएंगे हम लोग, चलो बिल्कुल। हाँ देखिए यह भी बात कर रहे हैं रस किस अस्थि की कह सकते हैं किस स्थान की अस्थि है, तो आपको हाथ की, हाथ में पाई जाती है, अग्रबहु में, इस तरीके से याद करेंगे। मतलब जो ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, बाकी फालतू कुछ नहीं पढ़ने वाले। जैसे कि ये देखिए चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मैंडिबल होती है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी मैंडिबल होती है। अब ये देख सकते हैं ये वाली बात की जाए, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है अचल संधि कहाँ पाई जाती है, तो ये खोपड़ी में पाई जाती है अचल संधि। इस क्वेश्चन को लॉक करिए, देखो चौदह क्वेश्चन यह कह रहा है कंधे में किस प्रकार का जोड़ होता है, तो कंधे में जो जोड़ होता है वो होता है गेंद और सॉकेट जोड़ कहलाता है, गेंद और सॉकेट जोड़ की बात करेंगे। देखो यहाँ बोला गया हड्डी का अपनी ही धुरी पर घूमना कहलाता है, हड्डी जब अपनी ही धुरी पर घूमती है तो उसको बोलते हैं चक्रावर्तन, ठीक है, चक्रावर्तन बोला जाता है, चक्रावर्तन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात की जाए अपनी ही धुरी पर जब घूमेगी हड्डी, तो यहाँ बोला गया जोड़ पर कार्य करने वाली अस्थियों को एक दूसरे से जाने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं रोटेशन, ठीक है, रोटेशन करती है आपस में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए थोड़ी गतिशील संधि कहाँ पाई जाती है, मतलब थोड़ी सी गतिशील जो संधि वो कंधे में पाई जाती है, गतिशील जो अस्थियां होती हैं इस तरह संधि में पाई जाती है, जोड़ जहाँ संधि को जोड़ बोलते हैं, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ कह सकते हैं उखल संधि, उखल संधि किसे कहते हैं, कंधे और कोहनी में उखल संधि पाई जाती है, याद रखेंगे कोहनी और कंधे में, बाकी सब यहाँ नहीं देखेंगे, फालतू की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे बार बार। जोड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो जोड़े तीन प्रकार के होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और कीलदार संधि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो गेब पर पाई जाती है, गर्दन में कीलदार संधि पाई जाती है। देखो इसको छोड़िए फालतू की चीज़ों को, यहाँ देखिए जोड़े के अध्ययन को कहा जाता है, जोड़े के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है, आर्थ्रोलॉजी जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। कलाई और टखने की अस्थि में होता है, तो वो होता है हिंद संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ देखो 83 क्वेश्चन कहना है पेशियां कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की पेशियां होती है बेटा, तीन प्रकार की पेशियां होती है। यहाँ देखो ये 84 क्वेश्चन को लॉक करूं, पेक्टोरेलिया पेशी कहाँ पाई जाती है, पेक्टोरेलिया जो पेशी होती है वो पक्ष स्तन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ बोला गया है मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो पेशियों की संख्या 600 से अधिक होती है, पेशियों की संख्या 600 से अधिक होती है। मानव शरीर में लगभग कितनी पेशियां होती हैं, तो 603 पेशियां होती हैं, 600 से अधिक मतलब 603 पेशियां होती हैं, क्लियर, ठीक है, चलो। यहाँ कह रहा है थकान के दौरान मांसपेशियों में क्या जम जाता है, तो आप कहोगे क्या जम जाता है, या जमा हो जाता है, जब थकान हो जाती है तो मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है, तो दुग्धा अम्ल, जिसे दुग्धा अम्ल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शरीर में देखो कह रहा है शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन सी होती है, तो आपको बताना है जो जबड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं, चलो। और भी मैं आपको दिखाता हूँ सारी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो कह रहा है कि कान के कितने भाग होते हैं, तो कान के तीन भाग होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चनों को देख लेंगे। और कोकलिया स्थित होता है कान में, स्थित होता है कोकलिया कान में स्थित होता है, ठीक है। यहाँ बोला गया है शरीर में कौन सा अंग विटामिन डी तैयार करता है, तो त्वचा जो होती है वो विटामिन डी को तैयार करती है। यहाँ बोला गया है स्वस्थ व्यक्ति के रक्त दाब कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। और कह रहा है व्यक्ति के शरीर का वायसात्मक अंग होता है हृदय होता है, ठीक है, चलो। देखो यहां बोला गया ईसीजी की सूचना देता है, तो आप जानते हैं एबी हृदय के धड़कने के लिए सूचना देता है, जो ईसीजी होता है वो हृदय के धड़कने के लिए और रक्त परिवहन जो होता है उन दोनों की सूचना देता है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट, मतलब कि सी को लॉक करेंगे।
हृदय रोग किसके कारण हो जाता है, तो आप रखते हैं मधुमेह रोग के और अनुवंशिकता और रक्तचाप के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मानव हृदय एक बार में कितनी बार स्पंदन करता है, मतलब कितनी बार धड़कता है, तो आप कहेंगे 72 बार हमारा दिल धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, वसा मुख्यतः जमा होती है, तो त्वचा में वसा जमा होती है। हृदय रोग किसके कारण हो जाता है, तो आपको मैंने अभी मधुमेह रोग बंसागर और रक्त मतलब हाई ब्लड प्रेशर होगा तब आपको होगा, रक्त में होता है, रक्त में उपरोक्त सभी होते हैं प्रोटीन लवण एवं जल होते हैं। और यहां देखिए 131 में बोल रहा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो आप कहोगे 120 दिन रेड आरबीसी का होता है और डब्ल्यूबीसी का जो होता है 7 से 8 दिन, मतलब 7 से 10 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का जो होता है वो 3 से 4 दिन ऐसे होता है। ठीक है, चलो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, यहाँ सारे मिलेंगे देखने को, चिंता मत करो। यहाँ देखो ये क्वेश्चन बोला गया है कि हृदय में चैम्स की संख्या 4 होती है, 2 अनिल 2 निलय होते हैं, आपको बताया चैम्बर जिसे बोलते हैं। और यहाँ देखो निम्न कोशिका आरबीसी का निर्माण कौन करता है, अस्थि मज्जा करता है, आपको पता है अस्थि मज्जा से बोलते हैं। और यहाँ बोला गया है रक्त नलिकाओं जो रक्त को हृदय से दूसरे अंगों की ओर ले जाती है उसे धमनियां कहते हैं, उसमें धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, याद रखेंगे। लिम्फोसाइट्स का जिसे लिम्फोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, तो आरबीसी जो सॉरी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो लिम्फोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। डब्ल्यूबीसी का पूर्ण नाम क्या होता है, तो आप जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, रोगों से बचाना उनका मुख्य कार्य होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, कणिकाएं में सबसे बड़ी होती है वो होता है मोनोसाइट, सबसे ज्यादा मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी में। श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत आयु होती है 1 से 4 दिन। ठीक है, यहां कह रहे धमनी जो स्वयं हृदय को रक्त पहुंचाती है वो होती है कॉर्नी ध्वनि। यहां क्या लगा है, रक्त दबाव नापा जाता है वो स्फेगमिंग एनीमेटर द्वारा, मतलब आप जानते हैं रक्त दबाव ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नापते हैं, तो स्फेगमिंग एनीमेटर द्वारा नापते हैं। यहां बोला गया है रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, इस बात को याद रखिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, रक्त में लाल होने का कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। रक्त किस प्रकार किस वजह से लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। वास्त पुरुष में हीमोग्लोबिन होते हैं, तो आपको 14 ग्राम मतलब स्वस्थ यदि कोई मनुष्य है तो उसमें 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के मुख्य घटक कौन सा होता है, वो आयरन होता है, एफी सबसे मुख्य घटक होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और वास व्यक्ति में रक्त का घनत्व कितना होता है, तो आप कहोगे रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर स्वस्थ व्यक्ति में होता है। और रक्त का पीएच मान की बात करें कितना होता है, तो 7.4 होता है। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो इनमें से कोई नहीं होती है, छोड़ दीजिए इसको। यहां इस एक 157 क्वेश्चन को देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या होता है, विटामिन के और कैल्शियम इंपोर्टेंट होता है कि तभी रक्त का थक्का जमता है, यदि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो विटामिन के इंजेक्शन को यूज करके रक्त का मतलब जल्दी जल्दी कवर किया जा सकता है। हृदय का वजन देखो क्या है, हृदय का वजन कितना होता है, मतलब जो जानते हैं हार्ट का वजन कितना होता है, तो आप कहेंगे 300 से 350 ग्राम तक होता है। मानव हृदय का आकार होता है मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का, याद रखिए मनुष्य का जो बंद मुट्ठी होती है इसके आकार का होता है, इस तरीके से मुट्ठी बंद कर लेता है तो ऐसे दिल होता है। चलो हाँ समझ लो इस बात को, देखो कह रहा है, यहाँ कह रहा है अशुद्ध रक्त ले जाने के लिए कौन सी धमनी होती है, तो अशुद्ध रक्त के लिए फुफ्फुस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, यूज होता है। और यहां बोला गया एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 12 से 18 बार लेता है। और यहां बोला कौन सा अंग श्वसन अंग है, फेफड़ा, आप जानते हैं फेफड़ा श्वसन अंग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का रंग होता है लाल होता है, इस बात रखिए फेफड़ों का रंग लाल होता है। और स्वस्थ यहाँ कह रहा है स्वस्थ यंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि उत्पादन करना, ये स्वर यंत्र का मुख्य कार्य होता है। फेफड़ों की प्रकृति होती है, तो आप जानते हैं वो होती है स्पंजी के आकार की। चलो, वायुकोष अनुपस्थित होते हैं, फेफड़ों में वायुकोष नहीं होते। स्वस्थ नलिकाओं के द्वारा एक स्वस्थ नलिकाओं पर एक डक्कन होता है जिसका नाम क्या होता है, एपिग्लाइसिस होता है। और इसको छोड़िए, यहाँ काफी हो चुका हमारा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी वगैरह तो सब जानते ही हो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, और कैनाइल एक प्रकार का क्या होता है, दांत होता है। तो मैं यहाँ आप नोट्स को हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप सारे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बात मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए, फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप हमारे इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, केनाइल किसके संबंधित होता है, तो आप जाते हैं दांत से संबंधित होता है।
और इसको देखिए, एनेमल पाया जाता है, दांत के अंदर पाया जाता है एनेमल, सबसे मजबूत चीज होती है ये एनेमल पाया जाता है। और कह रहा है पाचन क्रिया कितने चरणों में होती है, तो 5 चरणों में संपन्न होती है पाचन क्रिया। स्वादिंद्रिया स्थित होती है मुंह में, स्वाद मतलब स्वाद किससे लिया जाता है, मुंह में लिया जाता है, पता चल जाए खट्टा है मीठा है, तो स्वादिंद्रिया वहां होती है मुंह में होती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, याकृत करेंगे, याकृत जिसे लीवर बोला जाता है, यहां बोला गया है, इसको छोड़ दीजिए, हो सके तो लीवर की भार की बात करें तो 1.5 मतलब कि लीवर जो होता है वो 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक होता है, 2 किलो तक होता है। रेनिन पेप्सिन क्रिया होती है तो आप जाएंगे अग्नाशय में होती है, रेनिन पेप्सिन की क्रियाएं अग्नाशय में होती है, जिसे हम स्टोमच बोलते हैं। और इंसुलिन हार्मोन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है लैंगरहांस की दुपिका, इंसुलिन ये अग्नाशय में होता है, ठीक है, जिसे पिंक्रियाज बोला जाता है, पिंक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय। यहां बोला गया इंसुलिन पदार्थ कहां से निकलता है, तो आप जानते हैं अग्नाशय से निकलता है, इंसुलिन है एक हार्मोन होता है, ठीक है, पेंक्रियाज या फिर याकृत स्रावित करता है इंसुलिन को, याकृत नहीं बोलते हैं, अग्नाशय बोला जाता है, याकृत नहीं बोलेंगे पेंक्रियाज को, गलत लिखा है इन्होंने। उसके बाद में मधुमेह, निम्नलिखित में किसकी कमी से हो जाता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, तो डायबिटीज हो जाती है, जिसमें वक्त ज्यादा आने लगती है, किसकी हिसाब में मूत्र की बहुत ज्यादा आने लगती है डायबिटीज के कारण, ठीक है, मधुमेह रोग। शर्करा सबसे ज्यादा आने लगती है, मतलब पेशाब में क्या होता है चीनी टाइप की ज्यादा आने लगती है शर्करा, ठीक है, शर्करा जो आने लगती है। मधुमेह प्रभावित करता है तो पिंक्रास को प्रभावित करता है, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय को प्रभावित करता है। नलिका इसको सब छोड़ दीजिए। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, वो गर्दन में पाई जाती है, सभी को पता होगा थायराइड ग्रंथि। पिट्री ग्रंथि पाई जाती है, देखो ये पिट्री ग्रंथि जो पाई जाती है ये खोपड़ी में पाई जाती है, इसको भी लॉक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और आयोडीन की कमी के कारण ग्रंथि बढ़ जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, तो आपको पता है वो बढ़ जाती है थायराइड ग्रंथि, सबसे ज्यादा बढ़ जाती है थायराइड ग्रंथि। घेंगा रोग का कारण क्या होता है, आयोडीन की कमी होता है, घेंगा रोग का कारण जो होता है वो आयोडीन की कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको भी लॉक कर लो। घेंगा का लक्षण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की सूजन आ जाना, गर्दन में यहाँ सूजन आ जाती है, वही। कौन सा आहार सुरक्षात्मक भोजन है, तो आपको उपयोग सभी सांस मांस और ये सब चीज, ठीक है। यहाँ बोला गया है अमोनिया किसकी कमी के, जो कह रहे हैं एनीमिया किसकी कमी के कारण हो जाता है, एमोनिया का एनीमिया का मतलब होता है दांतों से खून निकलना, आयरन की कमी के कारण हो जाता है। यहाँ कह रहा है स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, वो है मुख से प्रारंभ हो जाता है स्टार्च का पाचन। यहाँ बोला गया भोजन के पाचन साधारणता होता है तो पेट में होता है भोजन का पाचन। चलो मैं नीचे और चलता हूँ, हमने काफी क्वेश्चन यहाँ देख चुके हैं कवर से, लगभग 250 क्वेश्चन 1200 पढ़ चुके हैं, बाकी हम देखें। कार्बोहाइड्रेट के पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक व्यक्ति को खाना चाहिए, तो चावल खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति के लिए, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, हाँ, ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज होता है। भोजन का आवश्यक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं यदि बात करूँ तो आप जानते हैं जो पीलिया होने का कारण क्या होता है, ठीक है, कमजोर क्रिया होती है, याकृत हमारा खून जब खून नहीं बनाता है, लीवर खून नहीं बनाता, तब पीलिया हो जाती है। तो यहाँ बोला गया है कह सकते हैं जो ग्रसनी स्थिति होती है, ठीक पीछे आप जानते हैं ऑप्शन नंबर लगाते रहना, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अग्नाशय रस कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अग्नाशय रस में। और पित्तरस किसके पाचन से सहायक होता है, बसा के पाचन से सहायक होता है, बच्चा के पाचन में पित्तरस का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और यहाँ बोला गया याकृत भोजन का संचयन किस रूप में करता है, तो आप होंगे ग्लूकोज के रूप में करता है। चलो हाँ, यहाँ कह रहा है बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए और डी याद रखना, के ई डी ए कीड़ा जो देख रहे हैं बसा में घुलनशील होता है, बाकी आप जो रहेगा बी हो गया, एक सी रह गया, बी और सी ये होता है जल में घुलनशील, बाकी जो बसा में घुलनशील होते हैं ए और डी देखो आ गया, के ई डी ए जो होता है वो बसा में घुलनशील होता है, बाकी बी सी जल में घुलनशील होता है। पित्तरस कह रहा है पित्तरस किसके से निकलता है, तो याकृत से निकलता है पित्तरस, रस का निर्माण याकृत करता है, लीवर करता है। पित्तरस और क्लोम रस कहाँ निकलता है, तो आप यहाँ करेंगे पक्यांश में निकलता है। और प्रोटीन प्राप्ति उत्तम साधन क्या है, सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। शरीर के गठनात्मक तत्व कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कह सकते हैं कोशिका बीमारी किस तत्व की कमी के कारण हो जाती है, प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है। कौन सा पाचन का अंग नहीं है, वो फेफड़ा पाचन का अंग नहीं है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। कौन सा पोषण तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और यहां बात की जाए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें, तो ऊर्जा प्रदान करने में आवश्यक होता है,
पायरिया बीमारी किस अंग पर प्रभाव डालती है? तो आपके दांतों पर प्रभाव डालती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आपको बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो कह रहा उस रोग का नाम बताइए जब व्यक्ति कम रोशनी में देख नहीं पाता, तो आप वो रतौंधी होती है जब कम रोशनी में देख नहीं पाता है। सूर्य प्रकाश, देखो कह रहा है सूर्य प्रकाश के अभाव को परिमाण करता है, सूखा रोग होता है। विटामिन और खनिज लवण कार्य करते हैं सुरक्षा का। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या हुआ? रेटिनॉल जो होता है ना, वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल की प्रकार होता है विटामिन ए का। विटामिन सी में संतरा और नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है, खट्टी चीजों में, खट्टे फल में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन कह रहा है विटामिन की कमी से घाव देर से भरे जाते हैं, विटामिन सी की कमी से, यदि आप सी है तो घाव जल्दी भर जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं बी कम्प्लेक्स, बी का सोल जो होता है विटामिन सी होता है, विटामिन बी के साथ में। यदि आपके मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो आप क्यों लेते हो बी का सोल को? लेते हैं डॉक्टर, मेडिकल जाते हैं, बी का सोल ले देता है, वो क्यों दे देता है? क्योंकि उसमें विटामिन सी है, और विटामिन सी से क्या होगा, सबसे पहले घाव बढ़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। देखो विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का सूर्य की किरणें होती हैं। ठीक है, चलो, सूर्य का प्रकाश स्रोत करता है विटामिन डी का। विटामिन डी सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का है। और क्या है? देखो विटामिन डी कहाँ होता है? तो आप देखो विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को कैल्सफेरॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जिसने ए दिया है परम सत्ता आंसर होगा, इस तरीके से आपको देखना है। तो बाकी इसके पार्ट थ्री में हम देखेंगे, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, लगभग हम 100 पेज पर तक चलते हैं, 100 पेज को क्लियर करेंगे हम लोग। हमें 83 क्वेश्चन पहुंचे हैं, 100 पेजों को क्लियर करते हैं, उसके बाद में जो हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे उनको हमारे पार्ट थ्री वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, पार्ट थ्री में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मोस्ट कराओ। यहाँ कह रहा है शरीर के किस अंग में रक्त बैंक कहा, मतलब कौन से अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? पिलिहा को बेटा रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है, रक्त का भंडार किसे कहा जाता है? तो पिलिहा को, याद रखना। बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण हो जाता है? बेरी वो विटामिन बी के, विटामिन बी को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? थायमिन होता है। चलो यहां बोला क्या है, थायमिन का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन बी वन होता है, इस बात को याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन रक्त को जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त को जमाने में सहायक होता है। ठीक है, यहां कह रहा है डर्मिस का संबंध किससे होता है? तो आंतरिक त्वचा से होता है डर्मिस का संबंध। ठीक है, चलो यहां बोला गया है मानव मस्तिष्क का सबसे बृहद भाग कौन सा है? तो आप याद रखना सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम ये सबसे बृहद भाग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेरेब्रम इसको छोड़ दीजिए। मस्तिष्क में देखो यहाँ एक एक बार क्वेश्चन पूछे गए तो कोई बात नहीं है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, हड्डी मस्तिष्क के अंदर 12 जोड़ी होती है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखिए, कोशिका का ऊर्जा केंद्र या फिर शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, आपको पता होगा। तो ये तो माइटोकांड्रिया संबंधित होती है, कोशिका शोषण से होती है, कोशिकीय शोषण से संबंधित होती है माइटोकांड्रिया। ठीक है, चलो मायोपिया विकार संबंधित होता है, वो आंखों में होता है, मायोपिया रोग हो जाता है उसी कारण होता है। यहाँ कह रहा है तंत्रिका तंत्र में जोड़े को कहा जाता है? तो संयुग्मन कहा जाता है। कितने प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तीन प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में यहां पर है कौन सा नलिका विहीन ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि विहीन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। हमारे शरीर में मूत्र किसके द्वारा बनता है? तो गुर्दे के द्वारा बनता है। गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? तो आपको पता होगा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और देखो कहाँ निरंतर होता है गुर्दे, तो कहाँ छोड़ो उसको। ठीक है, मानव देखो कह रहा है मानव का प्रमुख उत्सर्जक अंग क्या होता है? याकृत, मतलब सॉरी विकृत होता है, मतलब क्या होता है? किडनी को बोलते हैं, इसको विकृत को किडनी बोला जाता है। हमारे तंत्र का लघुत्तम इकाई होता है, वो होता है न्यूरॉन। जीवन का मूल आधार क्या होता है? जीव द्रव होता है। जीवन का मूल आधार की जब भी बात करें तो आप लगा देना जीव द्रव होता है। चलो जीव द्रव जीवन का आधार कहा जाता है, उपरोक्त सभी के लिए। और यहां हमारा जाएगा नेक्स्ट, देख लीजिए ये क्वेश्चन, अब आठवां जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये है व्यायाम का अस्थियों पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो अस्थियां और जोड़ में तंत्र मजबूत होते हैं, मतलब जब आप जिम करते हो तो हमारे जोड़ और अस्थियां जो होती है मजबूत होती है। चलो शारीरिक व्यायाम बढ़ता है रक्त प्रभाव, जब शारीरिक व्यायाम करोगे आप, रेस लगाओगे, दौड़ोगे, जिम करोगे, तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, मतलब खून क्या होगा, प्रभाव होगा, रक्त प्रभाव बढ़ेगा, ये बात रखेंगे। मनुष्य के श्वसन की दर सबसे कम होती है सोते समय, जब सोता है व्यक्ति तो सबसे कम होती है।
और उसके बाद में है व्यायाम के रक्त पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं खत्म हो जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं खत्म होते हैं, व्यायाम के रक्त पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं कण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। चलो यहां देखिए, यहां कह रहा है व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है उपरोक्त दोनों, जैसे बोला गया है जीवन धारित्व सुधार और ऑक्सीजन दर्ज की वृद्धि, ये दोनों हो जाएंगे। और साथ ही साथ चलो नीचे देखते हैं, क्वेश्चन को छोड़िए, इसको भी छोड़िए, ये देखिए यहाँ कह रहा है व्यायाम में अस्थि कह सकते हैं अस्थि पिंजर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे तो वो पड़ता है बेटा हड्डियों जोड़ों का प्रभाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर बात करने वाले हैं एक ही ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि और पिंजर का कार्य होता है, तो होता है उपरोक्त सभी, शरीर को आकार देना और पेशियों को मुड़ने का स्थान देना और भीतरी कोमल अंगों की रक्षा करना, ये हमारा अस्थि पिंजर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग द्वारा विकास होता है, तो योग द्वारा किसका विकास, उपरोक्त सभी का, मानसिक का, शारीरिक और बौद्धिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हमारा यूनिट नंबर 3 आ गई है और हम लोग 94 पेज नंबर पे पहुंच चुके हैं, 94 हम आप 100 पेज को क्लियर कर देंगे, पहले ये देख लेते हैं उसके बाद में इसको नहीं रोकेंगे। यहां देखो बात करने वाले हैं यहां के ऑप्शन नंबर पहला, देखो इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो कान साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कान साफ करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, इस बात को याद रखना, कान साफ करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यहां कह रहा है त्वचा की स्वच्छता ना करने पर कौन सा रोग हो जाता है, त्वचा की आप स्वच्छ नहीं करेंगे उसको तो कौन सा रोग हो जाता है, दाद खाद खुजली हो जाती है यदि आप नहाओगे नहीं धोओगे नहीं तो। टिटनेस कैसे होता है, तो जंग लगी कील के घाव लगने से टिटनेस हो जाता है आप जानते हैं। और यहां बोला है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है आपको ये बताना है, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो होता है वो होता है गुलाबी गाल, यदि आपके गुलाबी गाल है तो आपको पता है आप देखते ही चमकीले बालों से पता नहीं चलता कि बंदा स्वस्थ है नहीं है, लेकिन उसके गुलाबी गाल है तो जरूर पता चल जाएगा वो स्वस्थ है। यहां बोला गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए क्या चीज हानिकारक होता है, तो इन सभी जैसे थूकना भी, मलमूत्र त्यागना, ठीक है, स्थान स्थान पर मूल लगना और कूड़ा करकर इधर उधर फेंकना, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हाइजीन शब्द का अर्थ होता है स्वास्थ्य जीवन मतलब होता है विज्ञान, ठीक है, हाइजीन शब्द का मतलब होता है स्वास्थ्य विज्ञान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख घटक होता है, तो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। यहां बोला गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रख। स्वास्थ्य सुरक्षा की सुरक्षा में अवगत कराने वाले नियमों को कहते हैं, वो कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं, तो आपको के प्रेम नहीं होता है, गति कह सकते व्यक्तिगत स्वच्छता में नहीं आता है, यह बोल रहा है कि विद्यालय की स्वच्छता नहीं आती है, और व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है तो ये इनमें से सभी, दांत की स्वच्छता, हाथ पैर की स्वच्छता और साथ ही त्वचा की स्वच्छता। यहां देखिए हम देखेंगे इस बालक को स्वास्थ्य शिक्षा में, ये छोड़िए इस क्वेश्चन को भी छोड़िए फालतू की चीजें, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का कौन सा अंग नहीं है, तो छात्रों पर पढ़ाई का बोझ डालना ये कोई एक स्वास्थ्य सेवा का योग नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 को भी देख लेना एक बार। चलो तो हम 97 पेज पर आ चुके हैं, अब 100 पेज तो खत्म कर देंगे इसको। यहां देखिए निम्नलिखित से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो आपको वो है कह सकते हैं मदपान करना, ठीक है। और यहाँ देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ नहीं है, वो है बुरी आदतें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ नहीं होता है ये, ठीक है। और नीचे की ओर चलते हैं, देखिए चलो इस क्वेश्चन को देखिए, स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी होती है, तो वो होती है उपरोक्त सभी, विद्यार्थी देखो शिक्षक और विद्यार्थी पर, कर्मचारी पर और सफाई कर्मचारी पर होती है। यहां बोला गया है विश्वविद्यालय आप जानते हैं, सॉरी यहां कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन जानते हैं जिसे WHO बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इस बात को भी आपको एक बार याद रखना है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उनके नियमों से अवगत कराते हैं, तो आप कहोगे स्वास्थ्य शिक्षा कराती है। इसको देखिए सभी विद्यालय में होना चाहिए, सभी विद्यालय में उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्या तरण ताल होना चाहिए, मनोरंजन साधन होना चाहिए, खेल खाद के मैदान होना चाहिए, तभी आप वो सभी एक मतलब कि एक कॉलेज दिखाई देगा, ये होना चाहिए उसके अंदर कॉलेज में, बहुत जरूरी है। चलो हाइजीन है, हाइजीन क्या होता है, एक स्वास्थ्यप्रद आदतों का विज्ञान होता है। और यहां बोला स्वास्थ्य का प्रमुख घटक कौन है, तो आपको उपयुक्त सभी है, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। चलो इसको देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख मुख्यालय कहां है, जिनेवा में है, हाँ, जान बची तो लाखों पाए लौट के हम घर आए, बेवर कहानी कर लियो तो आ जाइयो।
यहां कह रहे हैं देखो जीव संतुलन द्वारा कौन सा रोग हो जाता है, तो वो होता है चेचक, चेचक रोग हो जाता है। और इसकी बात करेंगे, देखो इसमें तो कुछ है नहीं, मैं कह रहा हूँ साथ खत्म ही करा दें इस वीडियो में, इसमें ही करा दें, चलो इसमें ही करा देते हैं, एक ही वीडियो में खत्म। यहाँ कह रहा है कानों की सफाई किससे करानी चाहिए, तो कह सकते हैं हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड से करनी चाहिए, अपने कानों की जो सफाई करते हैं वो किसके द्वारा करनी चाहिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा करनी चाहिए। चलो यहाँ देखो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करा देते हैं। यहाँ देखिए चौथी यूनिट हमारी आ गई है, चौथी यूनिट में देखो बोला क्या है, वायु, इसको लगा लो इंपोर्टेंट है कि वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रभाव में कौन सा रोग हो जाता है, तो आप सही कहेंगे दमा और खांसी हो जाती है। ठीक है, याद रखना दमा और खांसी हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के प्रभाव से। दूसरा क्वेश्चन बोला है शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो आप कहेंगे शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 20 पॉइंट कितनी होती है, 20.95% होती है। ठीक है, याद रखना है इस बात को। यहाँ कह रहा है वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या होता है, उपरोक्त सभी धुएं हैं, पेड़ पौधों के कटने का और इधर उधर थूकने का कारण है, कूड़ा करके काटने का, ये क्या है वायु प्रदूषण को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे एक बार बेटा, सभी लोग देख लो एक बार ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है तो आपको कोई नहीं देगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जय ही एग्जाम में आए चाहे कचू हो जाए, यही क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे छपे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या रहने वाला है। देखो यहां बोला गया है CO2 और NO2 और SO2 के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो वो होते हैं वायु प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण। अब देखो इसमें देखिए, यहां कह रहा है जन स्वास्थ्य के लिए भीतर हवा का सबसे बड़ा प्रदूषक होता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहां देखिए शुद्ध वायु में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो आप हो गए 79% होती है। यहाँ कह रहा है वातावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो N2 नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज्यादा, N2 कितनी पाई जाती है, 82% हाँ, तो वो चीज आपको याद करना है, अभी परसेंटेज दिखाएंगे चिंता मत करो, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, तो NO, NO2 और SO2, याद रखना NO, NO2 और SO2 ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। और यहाँ देखिए बोला गया है कि भारत में इसको जोड़िए जहरीली गैस कौन कौन सी पाई जाती है, जरूरत नहीं है देखने के लिए, हम जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। देखो यहाँ कह रहा है कौन वायु प्रदूषण नहीं है, तो ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषण नहीं होता है, ऑक्सीजन से आपको पता ही होगा। यहाँ बोला गया है वायु प्रदूषण मुख्य रूप होते हैं, तो वायु प्रदूषण धुएं में मुख्य रूप होता है। चलो यहाँ देखिए निम्न में कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिलकर प्रदूषक बन जाती है, तो हीमोग्लोबिन से मिलकर प्रदूषक बन जाती है। यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक नहीं है। देखो बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहां देखो वायु, देखो कह रहा है वायु मिश्रित है गैस जलवाष्प, वो होता है जो जलवाष्प में घुलनशील होती है, जलवाष्प और क्या होता है, वायु में मिश्रित कोई गैस है वो जलवाष्प होती है, और क्या होता है धूल कणों के कारण होती है। चलो यहां देखो सब छोड़ो, नीचे पहुंच जाओ फटाफट, तो इम्पोर्टेंट है भाई पढ़ो। देखो कह रहा है वायु में फैलने वाला रोग होता है, वायु के द्वारा जो फैलने वाला रोग होता है वो होता है डिप्थीरिया रोग हो जाता है। चलो वायु में, वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है एक चेचक और खसरा, भी वायु के द्वारा फैलता है। बाकी हमारे PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको वैसे करा दिया, यहाँ से आप पास हो जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, और बाकी मेरे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। पहली तरफ आप 100 में 100 चाहते हो तो आप पूरा नोट्स पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, बहरहाल इतना ही आप पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है जल में ब्लीचिंग पाउडर डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको जल जीवाणु रहित हो जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे उसमें तो जल क्या होगा, जीवाणु रहित हो जाएगा, मतलब शुद्ध जल हो जाएगा। यह कह रहे हैं जल प्रदूषण का कारण क्या होता है, ये सभी होते हैं, इधर उधर मल त्याग करना, ठीक है, कूड़ा करकट डालना, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलना, वही चीजें। और ने कह रहा है जल प्रदूषण उपाय क्या होते हैं रोकने के, तो आपको कूड़ा करकट को जलाशय में जाने से रोकना और कारखानों से निकलने वाले पदार्थ नदियों में ना गिराना। उसके बाद जल प्रदूषण को स्रोत क्या होंगे, तो आप हुए ये होगा सीवर का पानी, जो सीवर का पानी होता है इसका मुख्य स्रोत होता है। चलो यह कह रहा है जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है, जो सीवर का पानी होता है। यह बोला समुद्र में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, वो होता है तेल रेशा, कह सकते हैं रिशाव, तेल रिशाव जो होता है वो प्रमुख कारण होता है समुद्र में प्रदूषण का। नेक्स्ट जीवाणु जांच हेतु नल से पानी लेता है, लेना समय कहलाता है, ये छोड़ दीजिए इसको, इसको देखिए कह रहा है जो जल स्वेद रहित गंध रहित और रंग रहित होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ बोला गया है पीने का पानी होना चाहिए, पीने का पानी रंगीन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, गंध ना आए और वो रंगीन मतलब रंगहीन होना चाहिए, वो रंग मतलब सिंपल साफ दिखना होना चाहिए, किसी रंग का नहीं होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कौन सा जल
बदुआ शुद्ध होता है तो आप कहोगे उसे कहते हैं गहरा धुआं, बदुआ शुद्ध होता है। चलो देखो बेटा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। अब देखो पांचवीं यूनिट आ गई है, पांचवीं यूनिट को देख लीजिए एक बार, मेरी बात तो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं इसको सोच रहा था बहुत ज्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो मैं पार्ट टू में इसको मेंशन करेंगे हम लोग, पार्ट थ्री में। पार्ट टू हमने यहां करा दिया, पार्ट टू हमने ये करा दिया, पार्ट थ्री में हम मेंशन करेंगे आगे फाइव यूनिट को, पार्ट थ्री में, पार्ट थ्री में हम मेंशन करेंगे। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहां देखो आपसे चोट, डूबना, ठीक है, झुलकाना, जलना और बिजली का झटका लगने के प्रकृति का साल है क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और बाकी फिजिकल एजुकेशन का पूरा मैंने आपको नोट्स जो दे रहा हूँ आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को आराम से, ठीक है। थैंक यू।